और ये क्या आप लोग हैरान होंगे कि आज सैटरडे को मेरी और आपकी मुलाकात हुई जबकि मैं मंडे का आपसे वादा करके गई थी। वेल आपको पता है कि जी जबरदस्त में हमारा फॉर्मेट क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर स्टोन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं और आपके पास हमारा लाइव नंबर आ रहा होगा स्क्रीन डिस्प्ले पे, जिससे आप हमसे रब्ता करते हैं, हमें लाइव कॉल करते हैं और लाइव कॉल करके हमारे एस्ट्रोलॉजर स्टोन एक्सपर्ट से जो है वो अपने बर्थ स्टोन के बारे में पता करते हैं, उनके रेमेडीज के बारे में पता करते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि अल्लाह पाक ने अगर आपकी लाइफ में कोई हर्डल है या कुछ ऐसा इशू है तो वो सारी चीजें आप हमारे स्टोन एक्सपर्ट या एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करते हैं। वेल जरा इन सारी बातों के साथ अब जो है वो आपकी मुलाकात करवानी है अपने स्टोन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से, तो आज हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल। तो ये चल के मिलते हैं मोहम्मद इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम इकबाल। वालेकुम सलाम सबीन साहब, खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आपका क्या हाल चाल? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआएं हैं और आप सबकी खैरियत के लिए दुआगो। हकीकत बात है, मैं भी अपने शोज में जाते जाते जरूर कह रहे थे कि भाई कुछ करें ना करें हमारी टीम के लिए हमारे दुआ जरूर करा करें। सिचुएशन ये होती है ना, आप किसी के लिए पॉजिटिव सोच रखें बिल्कुल, तो अल्लाह तबारक ताला आपके लिए बेहतर तमाम रास्ते खोल देते। बिल्कुल सही बात है, कर भला सो हो भला। उसकी वजह ये कि अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छाई नहीं कर सकते तो उसके साथ बुराई भी ना करें। अच्छा इकबाल, मई का महीना चल रहा है जी, मई के महीने में क्या स्टार होता है? मई के महीने में टॉरस होता है। हाँ, अभी क्योंकि टॉरस की जो पोजीशन है वो काफी बेहतर है और आने वाले 2012 से 2013 2014 इस पीरियड में अगर ये कोई ट्रैवल करना चाहें, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कोई बिजनेस करना चाहें, कोई ऐसी मतलब इस स्टार में कोई हर्डल्स रुकावट प्रॉब्लम अपीयर नहीं हो रही जिसकी वजह से कोई क्राइसिस से गुजरना हो। सही, थैंक यू। और एक और हमारे साथ कॉलर भी सब मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है, कहाँ से? मैं आलिया बोल रही हूँ। आलिया कहाँ से? हाँ कराची से। जी आलिया, क्या पूछेंगी? हाँ, मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है ये को अक्टूबर है, ठीक है, को अक्टूबर 1962, ठीक है। और अम्मी, अम्मी का नाम? मतलब परेशानी है, थकावट, बंदी, शादी और कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा आलिया, अम्मी का नाम क्या है? रईसा बानो। रईसा बानो, अच्छा ये मुझे बताएं आप शादीशुदा हैं? नहीं। शादी के लिए भी पूछना है, ठीक है, थैंक यू आलिया। के लिए पूछना है और मानी परेशानियां हैं, कॉलर बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक। और मेरी शादी कब तक होगी, बाहर का मुझे हो रहा है कि बाहर में जा सकूंगी कि नहीं, ठीक है, थैंक यू आलिया, अल्लाह हाफिज ऑन योर जवाब सुने का। अली इकबाल, हमारे शो की जो है वो पहली कॉल आपकी तरफ। जी सबीन बहन, आलिया साहबा बिलोंग्स टू लिब्रा, लिब्रा की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर नहीं थी लास्ट वन ईयर से। दूसरा मेरी बहन ये है कि इसमें कुछ नज़रबंद, कुछ बंदिशात, कुछ रुकावट्स ऐसी हैं जिसमें आप जो भी स्टेप उठा रही हैं उसमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कोई कमिटमेंट आपसे करते हैं या तो वो डिले हो जाती है, पाया तकमील तक नहीं पहुँचती है। सेकेंड, आपने प्रपोजल के बारे में क्वेश्चन किया था, 2012 दिसंबर में पॉसिबल है कि इंशाल्लाह ये डिसाइड होगा। आउट ऑफ कंट्री शादी के बाद पॉसिबल है कि आप जा सकेंगी। बर्थ स्टोन आपका दुरे नजफ है, 6 कैरेट का, चांदी के अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज करें। सेकंड, फजर की नमाज के बाद फौरन सूरत फतह और सूरत मरियम अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह आई होप कि आपको आपके मकासद में बेहतर इस्तेमाल। इंशाल्लाह, थैंक यू इकबाल। एक और कॉलर इस वक्त लाइन पे हमारे साथ मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से? मैं तंजीला बात कर रही हूँ फ्रॉम रावलपिंडी से। जी तंजीला, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक बिल्कुल जी। मुझे अपना पूछना है और अपनी बहन का पूछना है। ठीक है, नाम बताइए बहन का। मेरी बहन, पहले मैं अपना बताऊंगी। नहीं तंजीला, एक वक्त में एक जो है वो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, आपको पता है इतने सारे कॉलर होल्ड पे होते हैं। अच्छा तंजीला, ये आप काइंडली कर सकते हैं कि इकबाल के पर्सनल नंबर स्क्रीन डिस्प्ले पे आ रहे होंगे, काइंडली आप इन पे शो के बाद। नहीं, आपने उस दिन भी एक लड़की की कॉल ली और उसको दो बताए आपने। ओहो, यहाँ तो इकबाल, यहाँ तो मसला हो गया सर। कोई बात नहीं, किसी का दिल जो है वो रख लेना चाहिए बस, ठीक है। फिर देखें, अब इकबाल ने भी आपकी सिफारिश कर दी, मुझे आपके दोनों ही सवाल पूछने पड़ेंगे। जी बताएं। हाँ जी, अच्छा पहले मैं अपना बताऊंगी। मेरा नाम तंजीला है, ठीक है, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1985। 15 जुलाई 1985, ठीक है। और मेरी सिस्टर जो है उनका नाम शाफिया, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर, ठीक है, 1979, ठीक है। अम्मी का नाम बता दो। अम्मी का नाम सुग्रम बीबी है, दोनों की सेम ही है। हाँ जाहिर सी बात है। हाँ जी, और हमें सिर्फ फ्यूचर के बारे में पूछना है। और मैं मैरिड हूँ,
ठीक है, तो मुझे बाहर के जाने के मामले में कुछ पूछना है कि क्या हम लोग पूरी फैमिली बाहर का कोई चांस बन रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा तंजीला आपने अब मैं वो मेरी बहन की सॉरी 1975 है, 1975 जो मेरी सिस्टर है ना। ठीक है, शाकरा की 1975 है। ठीक है तंजीला, अब ये मुझे बताओ तुम्हारे हस्बैंड का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी वालदा का नाम। मेरे हस्बैंड का नाम है नसीर अहमद और उनकी वालदा का नाम है रमजान बीबी। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ उनकी मुझे ना कंफर्म नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब देखो पक्का वादा हमने कर लिया, मोहन या तुम्हें दोनों जवाब देते हैं। अच्छा एक बार हमारे साथ तंजीला है, 15 जुलाई 85 और इनके हस्बैंड जो है नसीर और उनकी वालदा का नाम रमजान है। ठीक है, अब इनका ये इशू है कि इन्होंने बाहर जाना है, पहले तो इनका बता दें, फिर इनकी बहन शाकरा है 28 अक्टूबर। जी सबीर बहन, सबसे पहले इनका जो स्टार है वो कैंसेरियन से बिलोंग करते हैं। 15 जुलाई स्टार की पोजीशन माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई हर्डल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड हाउस जो है वो माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवल से रिलेटेड 7th हाउस जो कि आपकी बेहतर पोजीशन में, इंशाल्लाह आई होप कि 2013 में पॉसिबल है कि आप ट्रैवल कर सकेंगे और वहाँ भी आपको सक्सेस होगी। बर्थ स्टोन आपका पर्ल है जिसे मोती कहते हैं, 7 to 6 कैरेट में चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में फ्राइडे को यूज़ करें। 9 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह ये सफ़र आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सेकंड, आपने अपनी सिस्टर के बारे में क्वेश्चन किया था, 28 अक्टूबर 1975 स्कॉर्पियो से बिलोंग करती हैं। स्कॉर्पियो की पोजीशन भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, इनके जो मकासद एम जो अचीव करना चाह रही हैं उसमें बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। 7th और 8th हाउस में सेजिटेरियस स्कॉर्पियो और जेमिनी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें इनकी फाइनेंशियली पोजीशन, इनकी मैरिज पोजीशन, जो इनके स्टेप्स हैं जिसमें डिले हो रहा था उसमें बेहतर रिस्पॉन्स होगा। बर्थ स्टोन इनका कैट्स आई है 5th कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। सेकंड, ईशा की नमाज के बाद एक मरतबा सूरत रहमान और सूरत मुजम्मल अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आप जरूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपको बेहतर रिस्पांस होगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू इकबाल। और व्यूअर्स आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दें एक बात, एक स्क्रीन डिस्प्ले पे तो हमारा नंबर आ ही रहा होगा जिस पे आप हमसे लाइव शो में बात करें, इसके अलावा इकबाल के पर्सनल नंबर्स भी आ रहे होंगे, उन पे भी आप इकबाल से रابطہ कर सकते हैं और मेलिंग आईडी भी आ रही होगी उस पे भी आप रابطہ कर सकते हैं हमसे। मगर काइंडली जब आप हमें मेल भेजें तो उस पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन कर दे करें ताकि हम आपसे रابطہ कर सकें और इकबाल के आउटलेट जाके इकबाल से के साथ जाके चाय भी पी सकते हैं। आउटलेट क्या है वो मैं भी इकबाल से पूछ लेती, इकबाल आउटलेट क्या है भाई आपका? मैं स्क्रीन पर आ रहा है माशाल्लाह उसको तारिक रोड पे आपका कहीं उसमें पूरी डिटेल है, तारिक रोड राबी सेंटर के बिल्कुल अपोजिट है, इकबाल जेम सेंटर के नाम से, काफी पॉपुलर शॉप है। तो बस भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। हाँ बिल्कुल मोस्ट वेलकम है और ये हमसे आज इनसे भी मैं वादा ले लेती कि हमें हाई टी पे बुला लें अपने आउटलेट पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो हेलो मेरे खाली लाइन ड्रॉप हो गई है तो फिर मेल की तरफ आ जाते हैं। जी जी। अच्छा इकबाल हमारे पास शारजा से इस वक्त मेल है जी जी। और इनका नाम सुरैया है जी और इनकी है 2 अप्रैल 1975 डेट ऑफ बर्थ है जी। ठीक है और ये पसंद की शादी करना चाहती हैं और इनका इशू ये हुआ था कि पाकिस्तान में इनकी एक शादी हो चुकी थी, यहाँ से डिवोर्स होकर फिर ये शारजा चली गई है, अब मगर ये शारजा ही में शादी करना चाहती है जी। सबीर मैन सिचुएशन ये है, सुरैया सबा बिलोंग्स टू एरीज, एरीज की पोजीशन लास्ट 1 ईयर से काफ़ी बेहतर नहीं थी, इसी दौरान ये जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ी कि इनको डिवोर्स हो गई जिसकी वजह से इनको काफ़ी प्रॉब्लम फील हो रही हैं। अब इनका सिस्टम ये है कि ये पाकिस्तान में शादी करना चाहती हैं या शारजा में, क्या इनके लिए बेहतर रहेगा या नहीं। जी सुरैया बहन सिचुएशन ये है कि आपका मैरिज से रिलेटेड हाउस काफ़ी बेहतर है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ये आपके लिए स्टार के लिहाज से काफ़ी बेहतर टाइम है, इस दौरान अगर आपका प्रपोजल डिसाइड होता है तो इंशाल्लाह वो कामयाब रहेगा, जिस प्रॉब्लम से आपको पहले गुजरना पड़ा इसमें नहीं आपको गुजरना होगा। बर्थ स्टोन आपका मरजान है 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में ट्यूसडे को यूज़ करें। 7 वीक तक किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह आई होप कि आपको कामयाबी होगी। थैंक यू। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सारा बात कर रही हूँ कराची से जी। क्या हाल है आपका? बस ठीक ठाक। मैम मुझे अपने अपने हस्बैंड की मैरिड लाइफ के बारे में थोड़ा पूछना था। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 81। दोबारा से बता दें, 27 मई 81। ठीक है, और आपकी मदर का नाम है जमीला। ठीक है, अब अपने हस्बैंड का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और मदर्स नेम बता दें। अल्ताफ हुसैन। ठीक है,
उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23rd June, ठीक है, 77, ठीक है। मेरी सस का नाम है शमसुद्दुहा, ठीक है। अब ये बताइए सवाल क्या है? मैम एक्चुअली जिससे शादी हुई है, मेरी शादी को 11 साल हो गए। फाइनेंशियली तौर पर इतनी प्रॉब्लम है, जब भी घर लेने की कोशिश करती हूँ फंस जाती हूँ, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और हमेशा 2 महीने ठीक रहती हूँ फिर डाउन हो जाती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना। ठीक है सना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज ऑन योर जवाब सुने का। वेल जनाब इकबाल साहब, आप भी सांस लें, ब्रेक लें, और व्यूअर्स टाइम हो गया ब्रेक का छोटे से, बस हम थोड़ी सी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सबीन और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में। ब्रेक से पहले सना कॉलर हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने सवाल किया था अपने हस्बैंड और अपने बारे में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का। तो इकबाल, क्या आपके इजहार ख्याल है, जायका क्या कहता है? सबीन मैन, सबसे पहले सना साहबा को उनके स्टार्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये टॉरस से बिलोंग करती हैं। इनका जो बुर्ज है वो सौर है, एसेंडेंट साइन वीनस है, लकी डे फ्राइडे है, और मुबारक कलर इनका वाइट है, लकी अदर 3 है, सिचुएशन बर्थ स्टोन एमरल्ड है, ग्रीन रंग का नहायत ही खूबसूरत स्टोन होता है। 2012 सेवंथ हाउस में वेल टाइम शुरू हो रहा है, मई के बाद इंशाल्लाह इस दौरान रोजगार मायूसी एहसास कमतरी का आपको शिकार नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ कंट्री भी पॉसिबल है कि आप ट्रैवल कर सकेंगे। मुरीख और एरीस और टॉरस का जो मिलाप है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। एमरल्ड आपके लिए काफ़ी बेहतर स्टोन है, अगर आप यूज़ करती हैं तो बेहतर रहेगा। सेकंड, आपने अपने हस्बैंड के बारे में, अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में, शमसुद्दुहा उनकी वालदा का नाम था, 23rd June 1977, कैंसेरियन से बिलोंग करते हैं। इनके स्टार की पोजीशन बेहतर नहीं थी, इस दौरान इनके साथ बहुत सी रुकावट हर्डल्स प्रॉब्लम लाइफ में थी, और उस हर्डल रुकावट और प्रॉब्लम की वजह से ही घर में मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों में फाइनेंशियली पोजीशन का बेहतर ना होना। लेकिन इनकी हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड जो हाउस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, अगस्त के बाद इनकी पोजीशन बेहतर होगी, इस दौरान आपकी ये प्रॉब्लम दूर होगी। और सेकंड ये है कि मैं आपको एक वज़ाइफ बताता हूँ, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, या अल्लाह हो या रहमान हो या रज़ाक हो, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इशा की नमाज के बाद 35 डेज तक आप पढ़ें, आप में अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, अल्लाह ताला के फजल करम से जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट किया जाए, अगर एक गुस्से में है तो दूसरे को भी हाइपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घर में एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो फिर वो घर में जो है सुकून नहीं होगा। सेकंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने हस्बैंड को, क्योंकि जब वो बाहर काम के सिलसिले में जाते हैं, अगर वो सुकून घर से नहीं मिलेगा तो बाहर वो आसानी से काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, इख्तलाफात ना हो, ताकि वो बाहर आसानी से और सुकून से काम कर सके। थैंक यू इकबाल। और एक और कॉलर हमारे साथ इस होल्ड पे हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं समरीन। जी समरीन, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची क्लिफ्टन से। जी, क्या पूछेंगी? हेलो, हेलो जी, क्या पूछेंगी? जी, मुझे अपने रिश्ते के बारे में पता करना है कि रिश्ता कब तक होगा और शादी कब तक होगी। अच्छा समरीन, अपनी अम्मी का नाम बता दीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। समरीन, हेलो, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा नाम समरीन। आप टीवी देखकर हमसे बात कर रही हैं? जी, टीवी देख रही हैं आप? हेलो, नहीं। अच्छा ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपनी अम्मी का नाम बताइए। मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप होनी चाहिए थी समरीन। हम बार बार व्यूवर्स आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है, हर शो में मेरे ख्याल है कि हफ्ते के 5 दिन में ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ हर शो में कि काइंडली जब आप हमें लाइव कॉल करा करें तो अपने टीवी की आवाज़ म्यूट कर दिया करें, वरना लाइन इसी तरह से कट जाएगी। अच्छा इकबाल, थोड़ा सा मुझे अब चांस मिल गया और मैं आपसे जरा सा एक मेल पूछ लूँ। 27378, ठीक है। इनकी वालदा का नाम जो है वो कनीज फातिमा है जी, और इनका अपना नाम जो है वो इरफान है जी, ठीक है। और इश्क बिन अभी क्या जीना, यहाँ पे इनका जो है वो शादी मतलब एंगेजमेंट भी हो गई थी और लव मैरिज जस्ट एक तरह से, मगर शादी नहीं हो पाई थी, ठीक है। एंगेजमेंट हो गई थी इनकी और लड़की भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, लड़की का नाम किरण है जी, और इनकी 12/8/1980 है, 12/8/1980, और इनकी वालदा का नाम जो है वो रेहाना है।
क्वेश्चन इनका क्या? क्वेश्चन इनका ये है कि इन्होंने यहाँ पे पसंद की मंगनी की, शादी की मतलब लव मैरिज की एक थी, पसंद की मंगनी की और उसके बाद जो है वो दोनों इंटरेस्टेड थे, लड़ झगड़ के पूरी फैमिली से इन्होंने पसंद की मंगनी वगैरह की सब कुछ किया। अब जब ये कि ये यूके चले गए हैं तो वो जो खातून है किरण, उन्होंने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है, मतलब वो इसमें इंटरेस्टेड खत्म हो गया इंटरेस्ट और अब वो इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहती हैं, जबकि ये चाहते हैं किरण ही से इनकी शादी हो। जी जी, इन मतलब है कि उन दिलचस्पी होनी चाहिए क्योंकि जब एंगेजमेंट हुई भी है तो अच्छा रिस्पॉन्स देना, लव मैरिज थी, मतलब मैरिज के लव एंगेजमेंट थी, मतलब है कि वो शादी से पहले जो सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। हाँ जी, तो कोशिश एक और कुछ जज्बाती इंसान फैसले कर लेता है जिसकी वजह से वो फैसले पाया तकमील तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन मैं इनको जवाब देता हूं। जी इरफान भाई, आप जो है माशाल्लाह एरीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप थोड़े से गुस्से वाले हैं, हाइपर ज्यादा हो जाते हैं, गर्म तबीयत है और एरीज की ये खसूसियत भी है। सेकंड ये है कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में ये जो आपके साथ रुकावट प्रॉब्लम हर्डल्स हैं ये दूर हो जाएंगी। किरण साहब भी माशाल्लाह ल्यू से बिलोंग करती हैं, बड़ी जहीन है, बड़ी नफीस, बहुत ही कॉम्पिटेटिव है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हैं इंसानी रुकावट की वजह से कि आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उनका जो रिस्पांस है वो आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टार के जैसे के लिहाज से ये पॉसिबल है कि ये मसला पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। ज़िंदगी में नशेब व फराज आता ही है, अगर किसी बाज़ दफ़ा इंसान बहुत खुशी में होता है, बाज़ दफ़ा गम में होता है, तो इंसान मुख्तलिफ जो है आदात से गुजरता है। हो सकता है जो उनके साथ रुकावट प्रॉब्लम हर्डल चल रही है वो आने वाले टाइम में रिमूव हो जाए, लेकिन ये रिश्ता आपका पाया तकमील तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। इंशाअल्लाह, थैंक यू। और बताना ये वो जी जी, मैं इरफान साहब को स्टोन के बारे में इन्फॉर्म करना। इरफान साहब का जो बर्थ स्टोन है वो लाजवर्द बनता है, 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज करें, 9 वीक तक किसी भी येलो चीज का सदका करें। किरण साहब का जो बर्थ स्टोन है वो ओपल है, व्हाइट रंग का ये स्टोन होता है। इस स्टोन की ये खसूसियत है, ये बिल्कुल ऐसी होता है जैसे आसमान पर स्टार्स निकले होते हैं। जैसे आप इसको रिंग में यूज करेंगे ऐसा ही महसूस होगा जैसे स्टार्स बने हैं। आपका 6 कैरेट में आप इसको यूज करें, मैं दुआ वो हूँ कि जो भी रुकावट प्रॉब्लम है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म हो, आप दोनों में हमांगी हो और आपका रिश्ता पाए तकमील तक पहुंचे और कामयाब रहे इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद जी मिठाई का डब्बा पहुंचा दीजिएगा मुझे, नहीं मतलब इकबाल को, नहीं नहीं आपको पहुँचा दे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही है? मैं उस्मा बात कर रही हूँ। उस्मा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मुझे अपने मंगेतर के बारे में पूछना था जी। क्या पूछना है? मतलब उनके काम में रुकावटें हैं, क्या है उनका काम नहीं हो रहा, वो गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने मंगेतर का जो है वो नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ और वालदा का नाम बताइए। मेरे मंगेतर का नाम उमेर है। उमेर जी, ठीक है। और 13 नवम्बर 30th 2 नवम्बर 2nd November 1986 और इनकी वालदा का नाम क्या है? शहनाज। ठीक है, थैंक यू। अच्छा इकबाल, उज़्मा का पूछना है? जी जी, अगर वो मुनासिब समझे अपना पूछना जरूर बताएं। बस वो उनका अपने फियांसी का ही पूछ रही थी कि उनकी जॉब क्या था। ठीक है, थैंक यू उज़्मा, अल्लाह हाफिज़। ऑन योर जवाब सुनिएगा, बहुत शुक्रिया भाई। हम आपस में भी कोई बात करते हैं, मैं ये कर रही हूं बाद में कॉलर ड्रॉप हो जाए। अच्छा, उमेर है, 2nd November 1986 और इनको जवाब तो इंशाल्लाह जरूर देंगे, लेकिन अभी देखें शादी नहीं हुई है, सिर्फ एंगेजमेंट हुई और इस बंदी को कितना फिक्र है। और दूसरा, हमने आपने मेल देखी वो वाली, और ऐसी मोहब्बत करने वाली अभी दुनिया में औरतें हैं, अगर ये उस वक्त शादी में हो और उनके घर पर हो, ये तो माशाल्लाह हर वक्त पढ़ पढ़ के उनके लिए फूंक रही होंगी कि इनके साथ जो रुकावट प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और नहीं, अभी जैसे हमने मेल पढ़ी उसमें आप देखें कि वो इतनी एक पूरी फैमिली से टकरा कर वो एंगेजमेंट हुई और सब कुछ और वो लड़की जो बदल गई है। उसमें सबीन बहन ऐसा होता है ना कि बार दफा क्योंकि कुछ जो रिश्ता है अगर उसमें बहुत ज्यादा डिले हो जाए तो उसमें रुकावट्स प्रॉब्लम दानी होती है। बहुत से लोग मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगु करते हैं, कुछ अच्छी करते हैं, कुछ बुरी करते हैं, 100 में से 90% तो ऐसे लोग होते हैं जो बनाने वाले नहीं होते। मगर इकबाल, एक बात आपसे भी शेयर करूंगी, व्यूअर्स आप लोगों से भी शेयर करूंगी, जब आप लव करते हैं तो फिर कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि हालात वाकयात में इंसान को मजबूर कर देते हैं, ये भी बहुत सारे इश्यूज तो, लेकिन ये है कि कमिटमेंट जब इंसान करे तो फिर उसको पाया तकमील तक पहुंचाए, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी कंडीशन में उसमें डिले नहीं करना चाहिए। सही बात है। अब एक इंसान यूके में बैठा है और उसका प्रपोजल डिसाइड हुआ है, आप उसको रिस्पांस नहीं दे रहे, एक तो ज़हनी टॉर्चर है उसको, क्योंकि इंसान का दिमाग हर वक्त उसकी तरफ रागिब रहता है। ये क्योंकि जवानी जो होती है ना, इसमें जो है वो बहुत से आदमी फैसले लेता है सोच समझ कर, जज्बाती फैसले, इमोशनल होके ज्यादा, बाज दफा ऐसा होता है फिर उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाते, उससे फिर होता है कि इंसान अपने
जो आने वाला मुस्तकबिल है उसको खराब कर लेते हैं, खुद ही अपने हाथों से डिस्टर्ब कर देते हैं। वेल जनाब उमेर हमारे साथ मौजूद हैं 2 नवंबर 86। जी उज्मा बहन, आपने कॉल की थी उमेर साहब के बारे में, स्कॉर्पियो से बिलोंग करते हैं। स्कॉर्पियो की पोजीशन माशाल्लाह 2012 जनवरी से ही काफी बेहतर है, 2011 इनके लिए काफी बेहतर नहीं था, मई से इनकी पोजीशन बेहतर हो रही है। इनके 7th और 8th हाउस जो कि बिजनेस से रिलेटेड है उसमें काफी बेहतरी होगी, और 2012-2013 तक इनका पीरियड बेहतर रहेगा। बर्थ स्टोन इनका यमनी हकीक है, 10 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज करें, और आप या अल्लाह हो या रहमान हो या रजाक हो अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ईशा की नमाज के बाद पढ़ें, अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह इनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से? मैं कहाँ से? वाकेंट से। जी शैला, मुझे अपने बारे में पूछना है। भाई के बारे में पूछना है, ठीक है। भाई का नाम? अपने बारे में। जी अपने बारे में पूछना है। जी ठीक है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और वालदा का नाम बताइए। शैला। मेरा शैला। ठीक है। 16 नवंबर। 16th of November 16 नवंबर 1987। ठीक है। और आपकी वालदा का नाम क्या है? अम्मी का नाम सईदा बतूल बेगम। ठीक है। शैला आपका सवाल क्या है? जी ये पूछना है कि मेरी 2004 में शादी हुई थी, तो फिर बस 2 साल के लिए तो डिवोर्स हो गया है। ठीक है। तो चलो जरा जोर थोड़ा सा आवाज ऊंची से बोलें, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, अब ये पूछना है कि अब दोबारा कहीं लास्ट में शादी के चांसेस हैं या नहीं? ठीक है, ठीक है। और कब तक हो जाएगी? ठीक है, थैंक यू शैला, अल्लाह हाफिज ऑन योर जवाब सुनेगा। वेल जनाब इसी के साथ टाइम हो गया, एक अदर ब्रेक का, डोंट गो अवे, बस थोड़ी सी देर में वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सबीन, और आपको पता है कि जी हमारे साथ शैला का जो है वो सवाल था। अच्छा कॉलर है हमारे साथ कोई? ठीक है जी, कॉलर ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, कॉर्नर कहाँ से? मैं मीना बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी है ना समीना, हीरा नहीं समीना। जी समीना जी, जी 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 जी, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं क्या हो रहा है? अच्छा, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। मेरे हस्बैंड का नाम है मोहम्मद इश्तियाक अहमद। ठीक है, इम्तियाज। ठीक है, इश्तियाक अहमद। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ की 10 अक्टूबर 1973। 10 अक्टूबर 1973। ठीक है। अच्छा सवाल क्या है? इनकी अम्मी का नाम है सीना बीबी। ठीक है, और सवाल बताइएगा। और इनका सवाल, मेरा सवाल ये था कि इन्होंने ना इमिग्रेशन वीजा किया हुआ था ना कनाडा का, तो उसका पूछना था कि हो जाए कि नहीं। ठीक है, इन्होंने वीजा अप्लाई किया हुआ है। जी जी ठीक है समीना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज ऑन योर जवाब सुनेगा। अच्छा इकबाल, आपने अब पहले देना है शैला का जवाब, 16 नवंबर वाला। जी इरम, सबीर बहन, शैला ने वाकेंट से आपको कॉल की थी और अपने बारे में उनका क्वेश्चन ये था कि मेरी पहले शादी हुई थी, डिवोर्स हो चुकी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1987। जी शैला बहन, अभी स्कॉर्पियो के बारे में कुछ देर पहले ही मैं इन्फॉर्म कर रहा था कि इसके स्टार की पोजीशन काफ़ी बेहतर है और आपका मैरिज से रिलेटेड हाउस जो है वो इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। इंशाल्लाह सबसे पहले तो मैं दुआ गूँ कि अल्लाह तबारक ताला जिस परेशानी से आप पहले गुजरे वो ना हो, क्योंकि तलाक और डिवोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जब किसी को ये जैसे मिलती है तो उसके ऊपर ही बीतती है कि उसके उसका क्या हाल होता है। सेकंड, ये आपने कहा कि शादी कब तक होगी, आपकी जो स्टार की पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है, मैरिज से रिलेटेड हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अक्टूबर और नवंबर आपके लिए काफ़ी बेस्ट टाइम होगा, इस दौरान अगर कोई प्रपोजल आता है तो वो आपका डिसाइड होगा, कामयाब रहेगा। लेकिन इस मरतबा ये जाहिर है कि आपकी शादी आउट ऑफ कंट्री होगी, कामयाब रहेगी। कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ जो कि आपके लक के लिए काफ़ी बेहतर होगा, इनमें सैजिटेरियस, जेमिनी और पाइसिस। अगर ये प्रपोजल इस स्टार्स में हो तो ये आपके लिए मजीद बेहतर होगा। बर्थ स्टोन आपका पर्ल है, मोती 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, जुमातुल मुबारक के दिन पहने, 7 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें। शादी के बाद की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर रहेगी, फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट है आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका जो जैचा है वो काफ़ी बेहतर है, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन, आपकी सेहत, आपकी प्रपोजल, ये इंशाल्लाह आपको बेहतर रिस्पॉन्स इसमें मिलेगा इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। और अब हमारे पास समीना की इस वक्त जो है
कॉलर का सवाल था। वेल जनाब, इससे पहले भी समीना की तरफ तक इकबाल हमें जवाब देते हैं, जायचा बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं व्यूअर्स के इकबाल के पर्सनल नंबर्स भी जो है वो स्क्रीन डिस्प्ले पे आ रहे होंगे, इस पे काइंडली जो है वो शो के बाद आप इकबाल से बात कर सकते हैं और मेलिंग एड्रेस भी आ रहा होगा, इस पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मगर फिर कॉन्टैक्ट नंबर देना ना भूल जाएगा, ऐसा ना कि फिर हम आपसे रब्ता कैसे करेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा इकबाल, इनका जवाब दीजिए जरा, समीना ने जो अपने हस्बैंड के लिए पूछा। सबीर महन, समीना साहबा ने लाहौर से आपको कॉल की थी अपने हस्बैंड इश्तियाक के बारे में, कैनेडा के लिए अप्लाई किया है, कब तक पॉसिबल है कि वो ट्रैवल कर सकेंगे या नहीं। जी समीना बहन, आपके जो हस्बैंड हैं इनका स्टार लिब्रा बनता है, लिब्रा की पोजीशन काफ़ी बेहतर नहीं है, इस पोजीशन में भी कुछ रुकावट, कुछ प्रॉब्लम, कुछ हर्डल्स ऐसी हैं जिसकी वजह से इनके मामला पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहे। 2013 में पॉसिबल है कि ये ट्रैवल कर सकेंगे इमिग्रेशन और कामयाब रहेगा। बर्थ स्टोन बहुत ही खूबसूरत स्टोन होता है, ग्रीन रंग का एमरल्ड, 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज़ करें, 7 वीक तक किसी भी आलो चीज़ का सदका करें, ईशा की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरत फतह अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह जो भी रुकावट प्रॉब्लम हर्डल्स हैं वो रिमूव होंगी, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। इनका जो ट्रैवल से रिलेटेड हाउस है वो 2013 में पॉसिबल है और इंशाल्लाह कामयाब रहे इंशाल्लाह ताला। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रोशनी, क्या हाल है? शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सब मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। रोशनी, आप सारी हस्बैंड की कॉल आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे कुछ जॉब के बारे में पूछना था, इनकी प्रमोशन के बारे में। ठीक है। और ये कि हमारे हालात वगैरह सेट नहीं जा रहे, अगर कोई प्लॉट वगैरह जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं वो भी नहीं सेल हो रही। ठीक है। और मैं पाइसेस हूँ। नहीं, आप पहले अपने हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। उनकी है 22 नवंबर 58। अच्छा, इनका नाम क्या है? जुनेद। जुनेद, ठीक है। और जुनेद की वालदा का नाम क्या है? सरदार बेगम। सरदार बेगम, ठीक है। अच्छा रोशनी, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना मॉम्स नेम भी बता दें। आपका रहने दो, मगर भाई हो सकता है कि कंपेयर करने में क्यों, इकबाल ये तो बहुत बात होती है कि भाई बीवी के सितारे कैसे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 16 मार्च है मेरा। क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 मार्च 1970। और वालदा का नाम क्या है? नईमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशनी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज ऑन योर जवाब सुनेगा। वेल व्यूअर, इसलिए पूछ रहे थे कि हमें कोई कंपैरिजन इस चीज का कराना हो रहा होता है कि हस्बैंड को वाइफ और वाइफ को हस्बैंड के स्टार्स हैं वो सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इकबाल एक बात नोट की आपने, जी, जब जी। साल बता दें, खवातीन एक मिनट के लिए सांस लेने के लिए रुकती है ना, जल्दी उंगलियों पर गिन लेती कहां पे जाके 18 या 28 बने। ये सभी में मैं बहुत से दूसरे चैनल पे भी प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, बिल्कुल सेम यही मसला होता है, वो बहुत जल्दी ये बता देते हैं 16 मार्च 18 मार्च। हाँ, लेकिन साल बताने के लिए आप यकीन करें कि इसके बारे में तो आप कुछ राय दें, क्योंकि आप भी नहीं, मैं अपनी राय महफूज, वैसे बताने में कोई फर्क नहीं है, बता देना चाहिए। देखिए सिचुएशन ये होती है सबीन बहन, जैसे एग्जाम्पल ये होता है कि 20 नवंबर है, 20 नवंबर रात है, 12 बजे तक स्टार जो है वो स्कॉर्पियो बनता है, उसके 1 मिनट के बाद जब 12:01 होता है तो वो सैजिटेरियस बन जाता है। अब सिचुएशन ये है कि इस तरह डेट ऑफ बर्थ इम्पोर्टेंट होती है। साल बताने में खवातीन रुकती कितना है? बस ये नहीं बता देना चाहिए, ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है, इसको इसके लिए आप कुछ इनको राय दें कि वो बता दिया। नहीं, बिल्कुल सही है, साल ही बताना चाहिए। अच्छा ये बता दीजिए जरा इनका, रोशनी का। जी रोशनी बहन, आपने कॉल की थी अपने हस्बैंड के बारे में, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका जॉब के बारे में था, प्रमोशन और हालात के बारे में। 22 नवंबर 1958 माशाल्लाह सैजिटेरियस से बिलोंग करते हैं, आपके शोर बहुत ही जहीन, इंटेलिजेंट, क्लेवर, बहुत ही होशियार है, कोई भी स्टेप उठाते हैं उसको इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से, अगर वो काम पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं तो उसमें स्टेप उठाएंगे, वरना उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। इनके स्टार की पोजीशन माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, प्रमोशन में पॉसिबल है कि 2012 अगस्त में वो, हालात जो हैं वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी की तरफ गामजन है, वक्ती तौर पर थोड़ी सी रुकावट, प्रॉब्लम, क्राइसिस हैं, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बेहतर होंगी। बर्थ स्टोन आपका यमनी हकीक है, 10 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज करें, 7 वीक तक किसी भी येलो चीज का सदका करें, इनकी आने वाली पोजीशन स्टार की काफी बेहतर है, उसमें कोई हर्डल्स, कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वक्ती तौर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो स्टेप बाय स्टेप रिमूव होंगी, उसके बाद इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आप पाइसिस से बिलोंग करती हैं, बहुत ही जहीन, कोशिश ये करती हैं कि किसी किस्म के कैसे ही हालात ना हो उससे समझौता किया जाए और अंडरस्टैंडिंग रखी जाए, किसी को तकलीफ ना दी जाए
और सब्र से काम लिया जाए तो इंशाल्लाह आपकी जो पोजीशन है वो तो काफ़ी बेहतर है। आप अगर बर्थ स्टोन यूज़ करना चाहें तो मून स्टोन या ब्लू स्पायर, दोनों में से कोई एक स्टोन 5 कैरेट का चांदी की अंगूठी में या गोल्ड में, क्योंकि फीमेल तो चांदी या गोल्ड दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती है, जेंट्स सिर्फ जो है वो चांदी में यूज़ कर सकते हैं। ये स्टोन आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ। थैंक यू इकबाल। अच्छा एक बताइए कि ये मई का जब तक हम कॉलर लेते हैं, मई का महीना और टॉरस का है, अब मतलब अब 20th के बाद चेंज हो जाएगा, 21 मई को आपके पास जो है वो कैप्रिकॉन लग जाएगा, 21 मई को जेमिनाई लग जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ये बताएंगे टॉरस में हम जो है वो कौन सा स्टोन पहनते हैं? टॉरस में जो है माशाल्लाह 2 स्टोन बनते हैं, एक तो ब्लू स्फायर यूज कर सकता है और एक याकूत, दो ऐसे स्टोन यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी मजीद बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अगर आपके पास कॉल है लेकिन आप बता दीजिए अपनी। उसमें मैं सिचुएशन ये बताना चाह रहा था कि अगर आपके स्टार के लिहाज से कोई स्टोन मैच नहीं कर रहा है और आप वो स्टोन यूज करते हैं तो उसके आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। उसमें 3 ऐसे स्टोन होते हैं, एक ब्लू स्फायर, एक ओपल और एक टर्कवाइज फिरोजा। इसी तरह क्योंकि हर एक स्टार इंसान का एक अपना एक स्टार होता है, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ दी उसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फिर एक स्टोन बनता है। अगर वो स्टोन आप अपने स्टार से मैच नहीं करते और दूसरे किसी स्टार का स्टोन यूज करते हैं तो उससे फिर आदमी थोड़ा सा हाइपर होता है, गुस्सा ज्यादा मतलब आता वो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है व्यूअर्स, ये तो मेरे ख्याल है बिल्कुल इकबाल ने इस वक्त सही बात की और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि अगर आप अपनी मर्जी से मेडिसिन खा लेते हैं और डॉक्टर से कंसर्न नहीं करते तो फिर आप उसका जो है वो रिएक्शन के लिए भी तैयार है, ये क्या हो सकता है। वाल एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही है? मेरा नाम रिमजा और मेरी अम्मी का नाम नसीम अख्तर है। रमजा एंड नसीम अख्तर, आपका मदर्स नेम क्या है? मुझे अपने और अपने हस्बैंड के रिलेशन के बारे में पूछना है कि हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अच्छा अब मैं जो पूछ रही हूँ आपसे आप वो मुझे बता दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं आती। अच्छा मियाँ का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ? अलियास अहमद। क्या कह रही है? अलियास अहमद। अयाज अहमद, ठीक है। अलियास अहमद, ठीक है। और अलियास की डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? नहीं आता। अच्छा अलियास की वालदा का नाम बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू रमजा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अब आपके नाम की आदत से हमें बताना पड़ेगा। और जनाब रमजा की कॉल के साथ ही टाइम हो गया एक आदत ब्रेक का, कहीं जाने की जरूरत नहीं और रमजा आप तो मच जाएगा क्योंकि फौरन आपका जवाब है। मैं हूं सबीन और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में और हमारे साथ स्टोन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर इकबाल मौजूद हैं। अच्छा इकबाल हमारे पास ब्रेक से पहले रमजा की कॉल थी और इन्होंने ये पूछा था कि अपने और अपने हस्बैंड इलियास के रिलेशनशिप के बारे में, बट डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई तो ज़रा नाम की आदत से बताना पड़ेगा। जी सबीन मैं इनको जवाब जरूर दूंगा लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे चंद लम्हात दें। सिचुएशन ये थी कि स्टोन्स के बारे में मैं इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि जब आप स्टोन यूज करें तो वो स्टोन डैमेज ना हो, तो स्टोन में खराश ना हो और वो स्टोन रियल होना चाहिए, क्योंकि जो आप अपने मतलूबा मकासद हासिल करना चाह रहे हैं अगर आप स्टोन के कवायद व जवाबत के मुताबिक ही स्टोन को यूज़ नहीं करते हैं तो फिर उस स्टोन को यूज़ करना आपके लिए बिल्कुल कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। उसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसी है कि अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपने दवाई सुबह पीनी है और आप रात के 12 बजे पीनी शुरू करें तो इसी हाँ इस तरह एक तो स्टोन डैमेज ना हो, एक स्टोन में खराश ना हो। एक स्टोन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप उसकी रिंग बनाएं तो वो आपकी फिंगर से टच होना ज़रूरी है ताकि उसकी जो रेज है वो रिफ्लेक्स होके हो सकें आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आपको उससे मतलूबा रिस्पांस मिल सके। इसलिए मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि जब भी वो स्टोन पहने वो डैमेज ना हो, उसमें खराश ना हो, वो रियल स्टोन हो और इससे फिर आपको बेहतर रिस्पांस। और बेहतर ये है व्यूअर्स से भी हम ये बात कर रहे थे कि बेहतर ये होता है कि जो किसी एस्ट्रोलॉजर या स्टोन एक्सपर्ट, इकबाल के लिए नहीं कह रही वैसी बात कर रही है, जिससे आपका दिल चाहता है। क्यों इकबाल? जिससे आपका दिल चाहता है, जिससे आपको ये लगे कि हाँ ठीक है ये समझ में आता है, एस्ट्रोलॉजर या स्टोन एक्सपर्ट से ही जाकर जो है वो आप अपना बर्थ स्टोन पता करें और उसी के पास जाकर जो है वो स्टोन परचेज भी करें तो वो ज्यादा बेहतर है। फिर स्टोन्स जो है वो उसकी मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, फिर उसका एक पूरा खानदान होता है। बिल्कुल, उस जैसे खानदान बना हुआ होता है इस तरह स्टोन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हकीक की,
एक यमनी हकीक होता है, एक रेड हकीक होता है, एक येलो हकीक होता है, एक ब्लैक हकीक होता है, एक ब्लू हकीक होता है, एक व्हाइट हकीक होता है, तो इस तरह कलर्स में भी मुख्तलिफ होते हैं। ये बात भी होती है कि एक बार ये डिफरेंट कंट्रीज से भी ताल्लुक रखते हैं। हाँ, उसमें मैं आपको थोड़े से स्टोन्स के बारे में भी इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में इन्फॉर्म करूंगा। ओपल कहाँ बन ज्यादा पाया जाता है, यमनी हकीक कहाँ पाया जाता है, फिरोजा ईरान का एक शहर है मशहद, वहाँ से हुसैनी फिरोजा निकलता है, उससे बेस्ट फिरोजा दुनिया में कोई नहीं। एमरल्ड पाकिस्तान से निकलता है, इससे बेस्ट जमरद दुनिया के किसी कोने में नहीं। बहुत फेमस भी। ब्लू स्फायर जो है वो सिलोन से निकलता है, याकूत बर्मा साउथ अफ्रीका और इंडिया से निकलता है, ओपल अमेरिका में होता है, ब्लू स्फायर कैनेडा और जर्मनी से निकलता है। इस तरह अल्लाह तबारक ताला ने मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ स्टोन जो है वो पैदा किए हुए हैं। और अच्छा ये कि डिफरेंट कंट्रीज से जहाँ से आपको स्टोन आप मतलब जैसा इकबाल जो है वो नाम बता रहे थे, ये एक क्लास के स्टोन है, ये नहीं कि अगर इसी कंट्री के स्टोन है तो वही जो है वो है। लेकिन इकबाल इसके अलावा भी स्टोन हमें डिफरेंट कंट्रीज से मिलते हैं, लेकिन वो क्लास टू के स्टोन होते हैं। जी स्टोन जब भी आप यूज करें एक क्लास पहने, क्योंकि इंसान एक दफा ही पहनता है। ठीक, अच्छा जी रिमजा का जवाब दे दें आप हमें। जी रिमजा बहन, आपने अपने हस्बैंड के बारे में क्वेश्चन किया था इलियास महमूद के, ना आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी और ना इलियास महमूद साहब की थी। आपका जो बर्थ स्टोन है, पहले मैं बर्थ स्टोन आपको बताता हूँ, फिर आपके स्टार्स के बारे में इन्फॉर्म करूंगा। आपका जो स्टार है वो कैप्रिकॉर्न बनता है, इसका बुर्ज जद्दी है, असेंडेंट साइन सैटर्न है, मुबारक कलर ब्लू है और लकी डे सैटरडे है, लकी अदद 8 है। आपका जो बर्थ स्टोन है वो मोती है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत स्टोन है। इलियास महमूद साहब जो हैं वो एरीज से बिलोंग करते हैं, थोड़े से गर्म तबीयत हैं, गुस्से वाले हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप में इख्तलाफात नहीं होंगे। वो भी ऐसी कोशिश करते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए उसको इग्नोर कर देते हैं, और आप भी ये कोशिश करती हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अपने जहन में मुसल्लत नहीं करती हैं। आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आपके हस्बैंड एरीज से बिलोंग करते हैं, एरीज की पोजीशन 2012 में भी बेहतर है, 2013, 2014, ये 3 ईयर्स ऐसे हैं इसमें जो भी वो स्टेप उठाना चाहेंगे, अगर किसी किस्म के कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहें जो इस बिना पर डिले किए कि उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इस टाइम में वो भी इंशाल्लाह वो शुरू कर दें। थैंक यू। और इकबाल एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त होल्ड पे हैं। हेलो कॉलर हमारे, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? ये मैं अलमास बात कर रही हूँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। अलमास जी, ठीक है। अलमास आपके बेटे का नाम क्या है? नदीम। ठीक है, उनकी तारीख पैदाइश पता है आपको? जी बताइए। 10 अप्रैल 1982। ठीक है, अब ये बताइए अलमास कि आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी कब तक होगी? शादी कब तक होगी इनकी? नदीम की शादी कब तक होगी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब अपने टीवी पे हमारा जवाब सुनेगा। और इकबाल, अलमास ने अपने बेटे के लिए कॉल की थी, 10 अप्रैल उनकी डेट ऑफ बर्थ है, कि नदीम की शादी कब तक होगी? जी देख ले, माँ बाप को कितना फिक्र होता है। बिल्कुल, कि माँ जो है वो ऐसा रिश्ता होता है सभी में, जो आदमी 100 साल में भी हो तो जो बुलाया नहीं जाता। सही बात, माँ एक ऐसी चीज होती है जब अगर आपकी हयात में है आप उससे मिल के जाए, उसके पैरों को हाथ लगा के और उससे इजाजत लेके जिस काम में आप जा रही हो, आप यकीन करें वहाँ पहले ही कामयाबी हो चुकी है। सही बात, तो इसलिए जिनकी माए हैं उनको कम से कम उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी जो भी उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब माँ नहीं होती फिर इंसान को एहसास होता है कि माँ जो है उसका दुनिया में कोई नेमल बदल नहीं। आपका आपके ऊपर से कवर खत्म हो जाता है, आपकी ढाल खत्म हो जाती है। दुनिया का ऐसा रिश्ता है कि जब माँ नहीं होती तो इंसान ये सोचता है कि काश ख्वाबों में मेरी वालिदा ख्वाबों में आ जाए, और इंसान ये ख्वाहिश करता है कि अल्लाह ताला अगर ये इंसान को मौका देता कि अगर उसकी वालिदा हयात नहीं तो वो यकीनी बात है अपने जहन में सोचता है कि काश अल्लाह तबारक ताला मेरी वालिदा को दोबारा वालिदा को दे दे। इसलिए देखें माँ ने क्वेश्चन किया अपने साहबजादे अलमास के लिए, नहीं नदीम के लिए, नदीम के लिए, सॉरी जी। अलमास साहबा, आपके इस सवाल पर काफ़ी हमने बातचीत की, लेकिन क्योंकि माँ जो है वो बड़ी काबिल एहतराम रिश्ता होता है, आपके जो साहबजादे हैं नदीम 10 अप्रैल 1982 एरीज से बिलोंग करते हैं, इनके स्टार की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, इनका जैचा बहुत अच्छा है, ये आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी कर सकेंगे आने वाले इसी साल में इंशाल्लाह। और दूसरा इनका मैरिज जो है आउट ऑफ कंट्री जाहिर हो रही है कामयाब रहेगी। बर्थ स्टोन इनका
एमरल्ड है 10 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, मंगल के दिन यूज करें। प्रपोजल इनका जहां भी डिसाइड होगा कामयाब रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और इंशाल्लाह मैं दुआगू हूं कि जो आने वाली आपकी बहू है वो भी आपकी इज्जत करेगी जिस तरह आपके साहबजादे नदीम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। और एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाजिया, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक, जबरदस्त जी। जी मैंने सवाल करना था ये वाला कि मैंने अपने और अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। ठीक है, क्या पूछना है, सवाल बताएं पहले। सवाल ये है कि मैंने दूसरी शादी की हुई है, घर के हालात बहुत ज्यादा खराब है, मैं ये चाहती हूँ कि वो खत्म हो सकती है कि नहीं। वो खत्म हो सकती है या नहीं? अच्छा शाजिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी अम्मी का नाम बताएं। मेरी है 17 नवंबर 1970। ठीक है। और अम्मी का नाम है नसीम अख्तर। नसीम अख्तर, ठीक है। अपने मियाँ का नाम, उनकी अम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ। मियाँ का नाम है शफीक। ठीक है। और उनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1974। 14 जुलाई 1974। 74। ठीक है। अच्छा शफीक की वालदा का नाम क्या है? शाइस्ता। शाइस्ता। अच्छा ये बताएं कि वो जो खातून खाना है दूसरी वाली, उनका कुछ अता पता है आपको? नहीं। उनका नाम वगैरह कुछ पता है? उनका नाम है शाहीन। शाहीन नाम है। और उनकी वालदा का ये कुछ ऐसा पता है? उनकी वालदा का नाम शायद शमीम है। शमीम, ठीक है जी। जी ठीक है शाजिया, प्लीज इसका जवाब मुझे जरूर दे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, आपस में बनती भी नहीं है, बात बात से गुस्सा करती है। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑन एयर जवाब सुनेगा। इकबाल टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, जल्दी से शाजिया का जवाब दे। जी शाजिया बहन, आपका जो है स्टार है वो माशाल्लाह स्कॉर्पियो बनता है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये था कि सेकंड मैरिज कब तक ब्रेक हो चुकी है, शाहीन से हुई है। आपके पास टाइम कम है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर पूरा 2 से 3 मिनट का एक लेक्चर दे सकता था। इस सवाल को अगर आप कहें तो हम रोक देते हैं। कितना टाइम है? कल इंशाल्लाह इनको जवाब देंगे। जो है ठीक है, क्योंकि किसी कॉलर का, क्योंकि हर कॉलर शायद हमें हमारी अपनी जात से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हर कॉलर। मैं तो इनका कल जवाब जी जी मैं लेकिन इसी कॉल पर कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं। जब तक हम बात करें जी सबीर बहन, सिचुएशन ये थी कि उस इंसान को ये सोचना चाहिए था कि मैं सेकंड स्टेप उठा रहा हूं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी बीवी माशाल्लाह बहुत ही मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग रखती है, अच्छे घर चला रही है, तो उसको ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था। सेकंड ये कि माशाल्लाह आप खुद भी ज़हीन है, 2 कश्तियों का मुसाफर किसी वक्त भी अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल सही कहा इकबाल, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी सवाल से जो है वो कल हम दोबारा से शो का आगाज करेंगे। वेल व्यूअर, शाजिया बिल्कुल डिसाइडेड होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक की कोई मसलहत है कि इस वक्त हमने आपका जवाब नहीं दिया। इंशाल्लाह कल जो है वो हम 4 बजे हमारा शो शुरू होता है और हम आपका जवाब जो है वो कल जो है वो मेरा ख्याल फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका होगा। वेल जनाब, अल्लाह हाफिज, अलविदा, खुदा हाफिज, कल दोबारा से सेम चैनल सेम टाइम आप लोगों से मुलाकात होगी।